एक और स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा वो है ONGC। जी हाँ, ONGC में एक तरफ तो ONGC ऑल इंडिया दोनों पिछले हफ्ते भी काफ़ी चलते हुए नजर आए थे। मैनेजमेंट ने काफ़ी इंप्रूवमेंट की बात की है, स्पेशली अपने गैस वॉल्यूम्स के ऊपर। स्टॉक ये बहुत ज़्यादा क्रूड से रिलेटेड रहता है, क्रूड तो बहुत ज़्यादा भागा नहीं, 75 वाला 83, वर्स्ट में रिसेंट लो 75, अभी 83, लेकिन हो सकता है ये क्रूड से ब्रेक करके इसका कोरिलेशन ये इंडिविजुअली चलने लगे। ये एक ऐसा PSU जो सबसे अंडर परफॉर्म किया है, बाकी सारे PSUs में रैली हो गई है। ये बताइए कपिल जी, 205 पे ये ट्रेड लायक लग रहा है यहाँ से भी? बेसिकली चार्ट का स्ट्रक्चर में देखता हूँ या फिर पूरा एक सेक्टर का टेलविन देख रहा हूँ तो एक पॉजिटिव मोमेंटम तो है ही, लेकिन जो इसका 910 से लेकर 213 की जो रेंज है, 3 रुपए की रेंज है, वो एज एन रीजंस ईयर 2016 से काम कर रहा है। यानी मल्टीपल टॉप्स हमें पहले भी 2010 और 2013 में 210 और 213 के लेवल पे हमें देखने मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार तय करूंगा कि 213 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करने लग जाए तब जाके मैं इसमें ट्रेड इनिशिएट करूँ, तो वो मुझे इंडिकेट करेगा कि ये अपना दमखम रखता है रीजंस को ब्रीच करने के लिए। और जैसे ही 213 का लेवल पार होता है क्लोजिंग बेसिस पे मुझे वो देखने मिलता है तो मेरा एक पॉजिटिव रहेगा। और नेक्स्ट डे जो इसका रेजिस्टेंस लेवल जहां पे आता है वो 235 का लेवल आता है, तो 213 की क्लोजिंग के ऊपर बाय बनता है 235 के लिए। विशाली से एक स्टॉक पता करते हैं, BHEL NT की एक रिपोर्ट आई है, 230 का वो टारगेट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा मेंटेन पहले से बाय था, आज भी बाई है और हम टारगेट 230 कर रहे हैं, शेयर करीब 200 रुपये के आसपास है। विशाली, ये 30 रुपये एक और इन्होंने ऊपर का टारगेट रखा हुआ है, शेयर ने अभी तक तो निराश नहीं किया, अच्छा चला भी है, ये जा सकता है 230 तक? तो जिस तरह से हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं दैट इंडिकेटर्स दिख रहे हैं दैट यस नई स्ट्रेंथ दिख रही है, बट ऑल द सेम मैं कहूंगी 190 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए, बिकॉज 230 आई मीन इट्स ऑलरेडी ओवरबॉट, तो ओवरबॉट में है और थोड़ा अगर सेलिंग प्रेशर आया तो वोलेटिलिटी आ सकती है। सो 190 के स्टॉप लॉस के साथ एक्सपेक्टेड टारगेट ऑफ 210-220 शुरुआत तो उसकी ही होती है, ट्रेडिंग टारगेट स्ट्रेटेजी में 220 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है।